हे गाइस, तो मैं एक ऑडिशन बनाने जा रही हूँ और ऑडिशन बनाने से पहले ऑफ कोर्स मैं मेकअप करती हूँ. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार मेकअप जो कर रही हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करूँ फॉर ऑल यू गाइस, कि आप लोग भी देख सके कि जो हम आर्टिस्ट होते हैं हमें ऑडिशन सेंड करना होता है तो उससे पहले हम मेकअप कैसे रखते हैं. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट फॉर मी, मैं हमेशा अपना मेकअप सटल रखती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ. सो मुझे लगता है अब स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे ऑडिशन भी बनाना है. And I'm very late. Okay, so सबसे पहले I'm going to conceal my under eye. Now concealer. Concealer done. Now time for some foundation. So my base is done. Yeah. मुझे एलर्जी हो रखी है लिप्स पे और कब से ठीक ही नहीं हो रही है. देर दिन आ गई हूँ सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डॉक्टर. Quick contouring. Oh fuck. This is also, I am going to keep it light. Pimple. Hey, hi. What's up, buddy? Long time no see. मैं ऐसी हूँ यार. आई मीन आई नो गर्ल्स, मतलब मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी हो ना पेशेंस के साथ मेकअप करती हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम. आई मीन आई एम टोटली डिफरेंट. मतलब कोई मुझे ऐसे 5 सेकेंड्स में मेकअप करने के लिए बोले ना, 5 सेकेंड्स में तो पॉसिबल नहीं होगा. आई एम सो सॉरी बट या मैं बहुत जल्दी मेकअप कर लेती हूँ. कभी कभी तो मैं फाउंडेशन लगाती ही हूँ लाइक नॉर्मल बेसिस पर. अगर मैं कहीं जा रही हूँ सो आई डोंट पुट फाउंडेशन. I just apply my concealer and that's it. अब जैसे जल्दी आने की खुशी में मैं अपने आई शेडो पैलेट लाना भूल गई हूँ. सो आई एम गोइंग टू यूज माई कॉन्टोरिंग शेड ऑन माई आईज. Thank you.
आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप ट्यूटोरियल नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हैं. मुझे सिर्फ मतलब होता है अच्छे दिखने से, और अच्छे दिखने से प्लस नेचुरल थोड़ा लगने से. सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरी आधी आईज भी हो चुकी है. पता है ब्रो, आईब्रोज के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती. मतलब मेरे शूट्स में अगर मेरी आईज अगर लाइनर नहीं लगा है तो मुझे चलेगा, शेडो प्रॉपरली नहीं हुआ है तो चलेगा, बट जब तक मेरी ब्रोज आईब्रोज लाइक प्रॉपर शेप में नहीं होती है तो मुझे ठीक नहीं लगता है. मतलब मुझे नहीं ना, अंदर से थोड़ी ऐसे इरिटेशन सी स्टार्ट हो जाती है. राजंदा ने, यू नो राजंदा जो मेरे पानीपुरी का जो मेकअप करते थे हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था ब्रोज बनाना. वैसा तो मैं कुछ उनके लेवल पे कर नहीं पाती हूँ, बट इतना कर लेती हूँ कि थोड़ा मैनेजेबल हो जाए और कुछ ख़राब ना लगे. स्टार्टिंग में ना मैं आईब्रोज ऐसे बनाती थी जैसे कि किसी यू नो विच को तैयार कर रहे हो, इतनी डार्क. देन मेरी फ्रेंड, उसने मुझे बोला कि व्हाट इज दिस भाविका, दिस इज लुकिंग सो स्टूपिड, यू लुकिंग लाइक अ डायन. उसके बाद से आई स्टार्टेड यू नो डूइंग लाइट आईब्रोज. मैं ज़्यादा उनको फिल नहीं करती हूँ, बट ये कितनी वियर्ड होती है. जस्ट सी नो, यहाँ से थोड़ी गायब, फिर थोड़ा सा इधर, तो यार मैनेज तो करना पड़ता है ना सब चीज़ों.
and dab it. Ho ho. Okay, इस लुक के साथ बिंदी भी है बट आई डोंट हैव अ बिंदी राइट नाउ सो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोना टेक माई लिपस्टिक सही लगी है ना फिर टेढ़ी लग गई हाँ हाँ सही सही डन ओह माय गॉड आई कांट बिलीव आई डिड इट ठीक है तो आई थिंक हो गया आई जस्ट नीड टू चेंज माय इयररिंग्स बिकॉज ये काफी इंडियन लुक है ओके सो इट्स डन ओके अब मैं जाती हूँ और मैं फ्लैक्स ऑडिशन बनाती हूँ बाय गाइस लव यू ऑल